हेलो एवरीवन। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है आप सभी के लिए HCU के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर HCU के द्वारा आपके जो काउंसलिंग लिस्ट है स्टूडेंट्स का, कैंडिडेट्स का, वो जारी कर दिया गया है। तो आप लोग इसको ओपन करके देख लीजिएगा। और याद रखिएगा, इसके लास्ट पेज पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको कहाँ पर प्रेजेंट होना है, ठीक है, आपके अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी में किस डेट पे पर्टिकुलरली, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है, साथ साथ कितनी फ़ीस लगेगी, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है, ठीक है। जैसे मैं एक ओपन करके आप सभी को के लिए रीड कर दे रही हूँ, जिससे कि आपको पता चल सके क्या दिया हुआ इंस्ट्रक्शन। जैसे मैं अभी इकोनॉमिक्स का देख रही हूँ, इसमें आपके जो है रिपोर्टिंग टाइम ऑलरेडी गिवन है, 9 बजे आपको रिपोर्ट करना है 12 सितंबर को, और कहाँ पर दिया हुआ है, साउथ कैंपस में, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में, और टाइमिंग भी दिया हुआ है और कब से कब तक आपको अटेंड करना है, और जो काउंसलिंग है वो 10 बजे के बाद से स्टार्ट होगी। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो आपके 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, बैचलर की डिग्री सर्टिफिकेट और डिग्री मार्क्स मेमो चाहिए, और आपके CUET PG का स्कोर कार्ड चाहिए, और आपके जो आपने अभी यहाँ पर एप्लीकेशन किया होगा उसका सर्टिफिकेट चाहिए, और रिसेंट पासपोर्ट साइज जो है फ़ोटो चाहिए, और आपके जो है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है आप जिसमें जिस लास्ट इंस्टीट्यूशन में रीड किए होंगे, पढ़े होंगे उसमें, और साथ साथ मेडिकल डिक्लेरेशन एफिडेविट दिया हुआ, साथ साथ उसका लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको भरेंगे और सबमिट करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और फॉर्मेट का भी यहाँ पर लिंक गिवन है कि किस फॉर्मेट में आपके होना चाहिए। फ़ीस का पेमेंट का भी गिवन है यहाँ पर कि कितना फ़ीस आपके लगेगा, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखनी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है, और आप लोग को फटाफट जाकर के ओपन करना है और लिस्ट, और लास्ट में जो इंस्ट्रक्शन दिया हो उसको थोरली रीड कर लीजिएगा। कोई भी और अपडेट आती है हम इसी चैनल पर देंगे। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद।